In this video, we'll try to understand what are the list of the courses I can apply if my score is less than 200. अगर आपका score 200 के आसपास है, so what are the courses I can apply in TESS? ठीक है, this is the most common question. In fact, I am getting from the student side, so I thought कि इस पे भी एक बार बात कर लेते हैं. Second is about the registration. They have already started the registration process. Kindly register on the TESS website. इसके official website पे registration process चालू हो गया, वो आप complete कर लो. और यू कैन सेलेक्ट द कोर्सेज ऑल्सो, वो विंडो भी ओपन हो गया है. मतलब जितने लोग ने सीयूईटी का जब भी फॉर्म भर रहे थे उस समय कोर्सेज सेलेक्ट नहीं किए थे कि भाई मुझे टेस्ट में एचआरएम जाना है, ओडीसीएल जाना है, एनालिटिक्स जाना है, एमएचए जाना है, एमपीएस, सोशल वर्क, जो भी कोर्स के लिए आपको जाना था आपने सीयूईटी के टाइम पर सेलेक्ट नहीं किया था, अभी आप सेलेक्ट कर सकते हो. वो ऑप्शन अभी टेस्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर है, जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, तो वो आप कंप्लीट कर लो. तीन कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो टू कैंपसेस से. और कैसे सेलेक्ट करना है कोर्सेज उसको लेके भी मैंने वीडियो बना दिया, मैंने कंप्लीट एक चार्ट ही दिया हुआ है. काइंडली गो एंड डाउनलोड दैट चार्ट. चाहिए तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो चार्ट का लिंक दे दूंगा. काइंडली डाउनलोड दैट चार्ट एंड गो थ्रू इट. ठीक है कि हाँ मुझे ये सारे कोर्सेज प्रेफरेंस वाइज, प्रेफरेंस वन, प्रेफरेंस टू, प्रेफरेंस थ्री के हिसाब से सेलेक्ट करने हैं. एक चीज़ और याद रखना कि अगर आपने प्रेफरेंस वन कोर्स जो भी सेलेक्ट किया है अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर प्रेफरेंस टू, प्रेफरेंस थ्री के लिए आप नहीं जाओगे आगे. ठीक है, तो जो भी प्रेफरेंस है वो सोच समझ के आप सेलेक्ट करना. जो भी प्रेफरेंस आप पहले नंबर पर रखोगे अगर उसके लिए आपका सिलेक्शन हो गया है तो फिर आगे प्रोसीड नहीं होने वाला. और अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस में नहीं हुआ है तो आप सेकंड प्रेफरेंस के लिए जाओगे, लाइकवाइज फर्दर. ओके, सो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. बहुत सारे लोग का स्कोर 200 के अंदर है या 210, 205, 215 के आसपास है, तो ये वीडियो आपके लिए. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेरी फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड जो स्टेज टू प्रोसेस होने वाला है इस बार, दैट विल बी मच मोर ग्रिलिंग प्रोसेस. 25% ऑल दो इसका वेटेज दिया हुआ है, बट टेस्ट के पास ये चांस है, या आप बोल सकते हो कि टेस्ट इसको कंट्रोल अच्छे से करेगा. भाई राइट कैंडिडेट को फिल्टर करेंगे फॉर दी सेलेक्शन. ठीक है, तो अगर आपने सीयूईटी में ऑल दो 75% का वेटेज है, अच्छा स्कोर लाया है आपने, ठीक है, अच्छी बात है. बट अगर आपने स्टेज टू में जो आपका ऑनलाइन असेसमेंट है इसमें परफॉर्म नहीं किया, देन इट विल बी डिफिकल्ट. ठीक है, और यहाँ पे वो काफ़ी लेवल पे ग्रिलिंग करेंगे. ओके, बिकॉज यही एक ऑप्शन है उनके पास कि भाई राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करें. ओके, सो जो भी कोर्सेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, अप्लाई करना चाहिए आपको, उसको मैंने ब्लैक कलर में किया हुआ है. 200 के आसपास अगर आपका स्कोर है देन यू शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दीज कोर्सेज. और अगर आपका स्कोर 200 के आसपास नहीं है, थोड़ा कम है, ठीक है, तो भी मैं कट ऑफ लिस्ट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, वही मैं आप भी वापस से डिस्कस करूंगा. उस कोर्सेज के लिए आप ट्राई कर सकते हो. सो फार उन्होंने कट ऑफ रिलीज नहीं किया हुआ है बिकॉज टेस्ट के लिए भी ये फर्स्ट टाइम है, तो कट ऑफ कहाँ से देंगे, कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्या स्कोर है, ये सारी चीज़ें अभी टेस्ट फर्स्ट प्रोसेस फर्स्ट टाइम है तो समझेगा इस बार. ठीक है, तो दैट इज व्हाई दे हैव नॉट रिलीज द कट ऑफ. ओके, सो बेसिस ऑन दी माई रिसर्च, माई एनालिसिस, द डेटा विच आई हैव गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, उसके बेसिस पर मैंने पहले वीडियो बना दिया था कट ऑफ का, ये आसपास कट ऑफ होगा. ठीक है, तो इसके अलावा भी प्लस माइनस 5 क्वेश्चन आप पकड़ के चलो, मतलब प्लस 5 क्वेश्चन मतलब हो गए 20 मार्क्स, माइनस 20 मार्क्स, सो प्लस माइनस 20 मार्क्स का फ्लक्चुएशन होने वाला है जो भी मैंने कट ऑफ दिया हुआ है, जो मैं आगे डिस्कस भी करूँगा आपसे. ठीक है, ऑलरेडी मैंने इसको लेके वीडियो भी बनाया हुआ है, डिस्कस भी किया, लाइव स्ट्रीमिंग भी की है मैंने. ठीक है, और कुछ डाउट क्वेरी होगी तो कमेंट कर देना, तो आई विल डू द लाइव स्ट्रीमिंग अगेन ऑन द फॉर द सेम. ओके, सो मार्क्स 20 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत रहेगा. ओके, सो स्टेज टू की प्रिपरेशन को लेकर वी हैव ऑलरेडी लॉन्च द कोर्सेज, कोर्स वन, टू कोर्सेज, थ्री कोर्सेज. अगर आप सिर्फ एक कोर्स के लिए जाना चाहते हो, यू कैन ज्वाइन वन कोर्स प्रोग्राम, दो कोर्स के लिए टू कोर्स, एंड तीन कोर्स अगर आपने अप्लाई किया है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैंपसेज, देन यू कैन चेक आउट द थ्री कोर्सेज प्रोग्राम. इसके सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं. जितने लोग ये वीडियो लेट देख रहे हो या लेट ज्वाइन कर रहे हो, जितने भी लेक्चर अभी तक हुए उसका रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा आपको. मेरा एक दूसरा वीडियो भी आने वाला है मंडे तक, जिसमें मैं बताऊंगा कि और क्या क्या जनरल डाउट क्वेश्चन है, तो आपको इस वीडियो में कमेंट में कर देना, तो मैं मंडे को वो भी डाउट क्लियर कर दूंगा आपके. ठीक है, जिसमें मैं बात करूंगा प्रिपरेशन को लेकर के, बिकॉज काफ़ी लंबा विंडो दिया हुआ है उन्होंने. ओके, सो 10 जून तक आपका शॉर्ट लिस्टिंग जो लिस्ट है पूरा वो आ जाएगी, और उसके बाद आपका चालू होगा डैफ, और डैफ के बाद आपका 18 से लेके टिल 30 जून तक चलेगा ऑनलाइन असेसमेंट. प्रिपरेशन का टाइम कम रहेगा, इसलिए हमने अभी से प्रिपरेशन चालू कर दी है. सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन, डोंट डीले.
ओके, तो ये सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। दिस विल बी दी सेलेक्शन स्टेप्स, ठीक है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट आउट होगी, अगर उसमें आपका नाम है, वेरी गुड, ठीक है, आप सेलेक्ट हो गए हो, एडमिशन प्रोसेस फिर आप आगे प्रोसीड कर लेना है आपको। अगर इनकेस रह गया है आपका बिकॉज ऑफ एक्स वाई जेड स्कोर से, ठीक है, तब प्रोसेस होता है उनका वेट लिस्ट वन, वेट लिस्टिंग प्रोसेस चालू होता है। वेट लिस्टिंग में भी अगर आपका 2, 3, 4, 5 वेट लिस्टिंग है, और अगर आप कैटेगरी में हो या जो भी कैटेगरी है उसमें अगर सीट वैकेंट होती है, देन यू विल गेट दी एडमिशन। तो उसको लेके मैं वीडियो आगे बनाऊंगा जब भी आपका मेरिट लिस्ट आउट होगा। अगर इसमें भी नहीं हुआ, देन यू हैव टू वेट फॉर द वेट लिस्ट टू। तो वेट लिस्ट टू जब आउट होगा, उसमें भी अगर आपका नहीं हुआ, फिर लास्ट राउंड होता है स्पॉट राउंड, ठीक है। हर साल ये टेस्ट का प्रोसेस है, तो हमें लास्ट तक फाइट मारनी है, ओके। बहुत सारे लोग एडमिशन ले भी लेते हैं, बहुत सारे लोग का ऐसा होता है कि दे सिक्योर द एडमिशन, बाद में वो कैंसिल कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत होती है हर साल, तो लास्ट तक फाइट मारना है अपने को, ओके। नेक्स्ट इज अबाउट दी कट ऑफ, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मैंने जो रेड में किया हुआ है, इसके लिए आप ट्राई कर सकते हो, श्योर नहीं हूँ मैं, ठीक है, बिकॉज काफ़ी लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। मैं ऑलरेडी पॉडकास्ट लेना चालू कर दिया मैंने, बहुत सारे बच्चों ने 280, 290 तो यार बहुत नॉर्मली स्कोर किया हुआ है, 270, 280, 250, 260, तो काफ़ी अच्छा स्कोर लोगों ने लेके आए हुए हैं, ठीक है। 200 के आसपास अगर आपका स्कोर है, आप ये तीन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट, देन योर डिजास्टर इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। ऑल्सो यू कैन ट्राई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, अगर आपका 200 के आसपास, 205, 210 है, तो यू कैन ट्राई, ठीक है। ये प्लस माइनस 20 मार्क्स पकड़ के चलो, जो भी मैं कट ऑफ दे रहा हूँ, 10 से 15 मार्क्स या 20 मार्क्स का फ्लक्चुएशन आएगा, बिकॉज पर क्वेश्चन राइट हो रहा है तो 4 मार्क्स मिल रहा है, ठीक है ना। तो सो एक क्वेश्चन राइट रॉन्ग होने पर फ्लक्चुएशन जो मार्क्स का है वो काफ़ी ज़्यादा है, ओके। प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू दिस डेटा। जितने लोग हेल्थ सिस्टम के लिए ट्राई कर रहे हो, MHA का कट ऑफ आगे जाएगा भाई, ओके, ये कट ऑफ आगे ही जाएगा। तो अगर आपका MHA वाले कोर्सेज में, हेल्थ सिस्टम वाले कोर्सेज में अप्लाई करना है, तो अगर आप ये स्कोर के रेंज में हो, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है, पब्लिक हेल्थ वाले कोर्सेज को लेके, ठीक है। सोशल वर्क में तो आप सारे ही कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो बिंदास, सबका कट ऑफ 200 के आसपास ही है, तो अप्लाई ऑल दी सोशल वर्क कोर्सेज। लाइकवाइज गुवाहाटी कैंपस सोशल वर्क कोर्सेज, ठीक है, तो ये सारे कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, हैदराबाद जो कैंपस है भाई, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस का, उसका कट ऑफ ज़्यादा जाता है, तो भी आप ट्राई कर सकते हो। बाकी जो कोर्सेज हैं उसके लिए डेफिनेटली यू कैन ट्राई ऑल दिस कोर्सेज, ओके। लाइकवाइज आपका जो एजुकेशनल कोर्सेज है, सारे कोर्सेज के लिए आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका 150, 160, 170, 180 के आसपास स्कोर है, 190 के आसपास स्कोर है, आप कोर्सेज के लिए ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लाइकवाइज आपका मास्टर ऑफ साइंस, डेवलपमेंट एंड अदर कोर्सेज, हाँ, डेवलपमेंट स्टडी का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, अगेन यू कैन ट्राई, ठीक है। लाइकवाइज आपका रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस मुंबई के लिए कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाएगा, और ये कोर्स को लेके भी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। तो ये आप तीन कोर्सेज में ट्राई कर सकते हो, बाकी के कोर्सेज के लिए आप बिंदास अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे अपना सिलेक्शन श्योरली होगा। स्टेज टू में अपने को अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में भी लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, तो ये रेंज है, तो अगेन यू कैन ट्राई, बिकॉज आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी डोंट नो द कट ऑफ। तो इस बार टेस्ट ने यही किया, भाई आप टेस्ट का फॉर्म भरो, पर कोर्सेज जो अप्लाई करना है करो, 500 rupees दे आर चार्जिंग फॉर इट। तो तीन कोर्सेज सेलेक्ट करना, आपको एक चांस तो लेना ही पड़ेगा, मैंने पहले लास्ट वाले वीडियो में भी सेम चीज़ बोली हुई है। हाँ, बाकी आप COQP 17, COQP 14, LLM के लिए जा रहे हो, या जर्नलिज्म के लिए, रूरल डेवलपमेंट HUQP 21, या आपका SCQP 11 कोड, जहाँ पे आपके एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के कोर्सेज, तो 150 के आसपास का कट ऑफ आप पकड़ के चलो, ये फ्लक्चुएट होगा, ठीक है, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर दिस, ओके। तो ये कट ऑफ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होंगे, तो यहाँ तो अपने को अप्लाई बिंदास करना है। जितने लोग का 200 के आसपास हो रहा है, डेफिनेटली अप्लाई फॉर दीज कोर्सेस। सो आपके ऑनलाइन असेसमेंट के प्रिपरेशन मॉडल में तीन फेजेस में प्रिपरेशन चालू है, एक तो आपका GK के लेक्चर्स, उसके बाद इंग्लिश के लेक्चर्स, एंड देन आपका कोर लेक्चर ऑफ GD, केस डिस्कशन, एक्सटेम्परन PI। सो फ्लैगशिप कोर्स के लिए जा रहे हो, तो GD अलग से आपका एक GD वर्चुअल GD करेंगे, वैसे केस डिस्कशन करेंगे एंड एक्सटेम्परन PI, ओके। तो ये आपका कंप्लीट मॉड्यूल होगा GK को लेकर के, 15+ सेशंस, और इसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिलेंगे, बजट बेस्ड वीडियोस, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज, जनरल पॉलिसीज, बिजनेस GK, इलेक्शन एंड मिसलेनियस GK, ठीक है। तो इन सब के रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे, इफ़ यू आर जॉइनिंग लिटिल लेट, तो रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, डोंट नीड टू वरी।
वैसे इंग्लिश को लेकर के आपका बेसिक, कमांड ओवर लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन एंड ओरिजिनलिटी, 5+ सेशन फॉर द इंग्लिश, जहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड कम्युनिकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। एंड लास्टली इज कोर ऑफ डैफ, ठीक है, डैफ चालू होगा तो उसके सेशंस और कैसे डैफ को फिल करना है उसके सेशंस, उसके बाद आप डैफ भर के दोगे, उसके एनालिसिस करके विल गिव द फीडबैक, उसको करेक्ट करना है एंड देन यू हैव टू सबमिट। ग्रुप डिस्कशन के सेशन, लाइव GD एनालिसिस फीडबैक, लाइकवाइज केस डिस्कशन के सेशन, GD एनालिसिस एंड फीडबैक, एक्सटेम्पर के भी आपका 1-to-1 एक्सटेम्पर एंड इंटरव्यू पार्ट रहेगा, वेर वी विल बी गाइडिंग यू एंड हेल्पिंग यू। हर कोर्स, जितने भी कोर्स आपके लिए आप अप्लाई किए हो, हर कोर्स को लेके अलग अलग आपका इंटरव्यू होगा, अलग अलग आपको एनालिसिस फीडबैक मिलेगा और आपको उस तरह से इम्प्रोवाइज करना है। और लास्ट में आपके एक सेशन होगा जो कि फाइनल सेशन होगा कि आपको फाइनल एग्जीक्यूट कैसे करना है एक्चुअल आपके ऑनलाइन असेसमेंट के अंदर। दिस विल बी दी कंप्लीट प्रिपरेशन पार्ट। सो इट इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम विच वी हैव मेड फॉर दी ऑनलाइन असेसमेंट, ठीक है। तो सारी डिटेल्स आप चेक कर लो, डिस्क्रिप्शन में है। एंड कोई डाउट क्वेरी है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। 2025, 2026 को लेकर के वी हैव लॉन्च बैचेस। एनी ऑफ योर फ्रेंड और रिलेटिव वांट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन, काइंडली शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू देम। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।